few moments later. नमस्कार व्यूअर्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में, जिस ब्लॉग में मैं करने वाला हूं आज साउथ इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग ब्रेकफास्ट और टिफिन आई वुड से उत्तपम। अब उत्तपम जो है मैं बनाने वाला हूं मसाला उत्तपम। मसाला उत्तपम बनाने के टाइम पे मैंने सबसे पहले क्या किया था, कल रात को मैंने चावल लिया था एक ग्लास में ऑलमोस्ट 200 ग्राम्स, और उसके बाद दाल 100 ग्राम्स 50% ऑफ हेड। उसके ऊपर मैंने डाल दिया पानी, रख दिया था भिगो के। भिगोने के बाद फिर इसको अच्छी तरह से वॉश करके डाला मैंने ब्लेंडर में, मिक्सअप ब्लेंडर में। उसके बाद इसका पेस्ट बना के अब इसको डाल दिया है रेस्ट करने को, जिसमें मैंने थोड़ा सा बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया सो दैट इस पे थोड़ा सा फर्मेंटेशन आ जाए और दैट बिकम्स बिट फ्लफी। इसके बाद अब मैं क्या करने वाला हूँ, उसकी टॉपिंग्स को तैयार कर रहा हूँ। तो ये टॉपिंग्स क्या क्या होने वाले हैं, हैव अ लुक और वॉच इट, स्टे बियॉन्द द वीडियो टिल द एंड, यू लव दैट संडे का स्पेशल, स्टे हियर। सबसे पहले प्याज, इसको लंबा काटेंगे। सबसे पहले इसका ये वाला मुंह वाला पार्ट साइड में कर देते हैं, थोड़ा हार्ड रह जाता है ये, इसको साइड में कर देंगे। और इसकी कटिंग इस तरह से हम करने वाले हैं, लंबे कटिंग, बारीक नहीं करेंगे, इतना करेंगे। तो फ्रेंड, इस तरह से मेरे पास डोसा का बैटर तैयार है, और साथ साथ में उसकी जो टॉपिंग्स होने वाले हैं, जिसमें मैंने टमेटो, अनियन और ग्रीन चिली को चॉप करके या तो पीसेस में काट के इसको रख लिया है। अब इसको पकाने की बारी है। एज बैटर लुक्स वेरी फ्लफी, सो हाउ इट गेट्स कुक, जस्ट स्टे ऑन द वीडियो, देखते रहें। बैटर तैयार है, अब मैं कुक करने वाला हूँ। I'll put the fire on for the tawa. उसके बाद इसको बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, as you can see, तवा एकदम तैयार हो गया है, गरम है। अब इसमें हल्का सा तेल डाल के एक प्याज को लेते हुए अनियन, इससे करूंगा तवे को तैयार, समथिंग लाइक दिस। तो ये सब चारों तरफ अच्छी तरह से अनियन का जो रस है ऑयल के साथ मिल के तवे को एकदम तैयार कर देगा बढ़िया तरह से, सो दैट आपका उत्तपम इस पे चिपकेगा नहीं। फिर इस तरह से तवा रेडी है। अब हम डालेंगे बैटर। We'll apply some oil, we'll put on top and the side too.
जो टास्क लिया था मेकिंग उत्तपम, मसाला उत्तपम, वो तैयार हो गया है। तो ये 12 घंटे की मेहनत और हार्ड वर्क से ये तैयार है। आई एम श्योर आप भी इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। प्लीज डू ट्राई एंड इट्स अ टाइम फॉर टेस्टिंग। लेट मी टेस्ट दिस। आई हैव गॉट सम टमाटर की चटनी और टमाटर केचप। टेस्ट कर रहा हूँ सिंस चटनी नहीं बनी है। वेल कुक परफेक्टली द टेस्ट व्हाट आई वांटेड। यू आल्सो ट्राई एट होम, यू लव इट। बाय द टाइम स्टे फिट, स्टे हेल्दी। बाय बाय, टेक केयर।